गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। एस लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड मार्च 18। नेट प्रॉफिट दे रखा है, डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। इसके बाद ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल दे रखे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन स्टॉक, डेटर, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। इसके बाद ये हमारे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स पेड। हमसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारी ये जो मशीनरी वगैरह परचेज कर रहे हैं हम लोग, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस AS3 फॉर द पीरियड जो भी रखना हो। ब्लैंक इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि आप जो क्वेश्चन करेंगे उसका पीरियड लेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो लिखेंगे पहले नेट प्रॉफिट हमारा है 20,78,000, ठीक है। इसमें ऐड करें डेप्रिसिएशन 8,00,000 का, लेस करें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो इसमें इंक्लूडेड है 2,20,000 की, ये आया 26,58,000। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम करंट एसेट्स डिक्रीज होगी, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, लेस करेंगे करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज, ठीक है। चलिए, इंक्रीज इन डेटर और डिक्रीज इन स्टॉक। तो डिक्रीज इन स्टॉक हमारा 6,80,000 यहाँ आ जाएगा, और इंक्रीज इन डेटर हमारे माइनस में आ जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद इंक्रीज इन डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो डिक्रीज हो रहे हैं 1,50,000 के और इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 के। इंक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। यहाँ इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,358, और ये कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2,968। तो ये हो गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें जो हमने इनकम टैक्स पेड है 7,28,000 वो माइनस कर दें, सो 22,40,000 ये होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आ गया? थैंक यू।